आइए आज हमारी रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी बेसन के चूरमे के लड्डू। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार है इसकी रेसिपी। इसके अंदर मैंने लिया है 250 ग्राम आटा और 250 ग्राम ही बेसन, कुल मिला के ये हुआ 500 ग्राम। अब इसके अंदर हम पहले डालेंगे घी का मोयन। ये 1 कप घी ले रही हूँ। अब हम देखते हैं इसमें कितना घी जाएगा। पहले मैंने लिया है आधा कप घी। इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें ये मुट्ठी बंद होना चाहिए हमारा घी, मतलब कि जब हम इसको बांधे तो ये टाइट मुट्ठी बन जाए। अभी थोड़ी बिखर रही है तो हम इसमें थोड़ा घी और डालते हैं। इसमें मैंने 1/4 कप घी और डाला है। बस अब ये हमारा मुट्ठी बंद मोयन हो गया। इसके अंदर ये देखो, इसमें मुट्ठी बंद हो रही है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से। तो लगभग ये मैंने 1 कप घी लिया था, इसमें ये 3/4 कप घी गया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, निवाया पानी लिया है थोड़ा सा। अब मैं मेजरिंग कप में लेती हूँ ताकि हमें पता चल जाएगा कितना पानी जाएगा। ये मैंने आधा कप पानी लिया है। अब इसमें डाल के देखते कितना जाता है। पानी हमको इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है क्योंकि हमको इसकी मुट्ठी बांधनी है। तो एकदम थोड़ा पानी और एकदम टाइट आटा लगाना है इसका। आटा गूंदना है हमको, टाइट आटा। देखिए, पूरा अच्छे से मिक्स करना है, पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम इसके अंदर। थोड़ा सा और भून लेते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करके देखते हैं कि कितना पानी और जाएगा। ये मैंने इसके अंदर पूरा आधा कप पानी डाल दिया है, आधा कप पूरा पानी चला गया। अब हम इसकी मुठिया बांधेंगे। मुठिया के लिए हम इसको ऐसे छोटा छोटा लोया लेंगे और कुछ इस तरीके से हम बना के रख देंगे। ये देखिए, ये हमें इस तरीके से सारी मुठड़ियां बना ली हैं। ये बेसन की टाइट टाइट उसको दबा के सारी बनाई है। पानी हमने आधा कप ही डाला था उसके अंदर, और एकदम दबा के टाइट मुठड़ी, एक भी लूज नहीं होनी चाहिए वरना वो घी में बिखर जाएगी। अब हमने घी ले लिया है, इसको हमने तेज आंच पे कर दिया है एक बार। अब हम इसे मुठड़ियां इनको फ्राई कर देंगे। चलिए देखते कि घी आ गया या नहीं। घी आ गया है। अब हम इसकी आंच थोड़ी सी मंद कर देंगे और हम ये मुठड़ियाँ तीन चार करके डालेंगे और धीमी आंच पे इनको तल लेंगे। आंच अब हमारी धीमी रहनी चाहिए ताकि वो अंदर तक फ्राई हो जाए। देखिए, धीमी आंच पे ही तलना है हमको, मंद आंच पे।
इनको हिलाना कम है, हल्के हाथ से। देखिए लाइट ब्राउन होने लग गया ये। देखिए धीरे धीरे लाइट ब्राउन हो रहा है, इसे हम हल्का सा और ब्राउन करेंगे और फिर निकाल देंगे। डार्क ब्राउन ना करिएगा क्योंकि फिर वो दाना कड़क हो जाएगा जब हम इसका दाना बनाएंगे। बस अभी लगभग हो गए हैं, अब हम इनको एक एक करके निकाल लेते हैं। देखिए कुछ ऐसा कलर आना चाहिए इसका, अब इसको निकाल लेंगे। सारी मुठड़ियां इस तरीके से तल ली है धीमी आंच पे। अब इनको मैंने आधा घंटा रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब हम इनको चूरा करेंगे। ये इस तरीके से हम इनको सबको तोड़ लेंगे। अंदर से ये ठंडी होनी चाहिए पूरी। ये देखो कुछ इस तरीके से छान लिए। अब हम इसको थोड़ा सा और हाथ से मसल लेंगे। हाथ से और इसको थोड़ा सा एक एक चम्मच दो दो चम्मच लेके इसके अंदर, ये हमारी ये वाली लंबी लाइन वाली जाली है छन्नी, इसे हम छान लेंगे। इससे हमारा ये देखो बारीक बारीक दाना आना शुरू हो जाएगा। ये मोटा हम वापस इसके अंदर डाल देंगे कुछ ऐसे, और फिर से इसको हम थोड़ा सा बारीक और थोड़ा सा कूट देंगे। थोड़ा और बारीक करके ये हम इसको थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे ताकि हमारा दाना आता रहे। फिर ये जो बड़ा वाला है इसको फिर हम लेके सिलेंडर इस तरीके से हम इसको पूरा छान लेंगे और हमारे ये देखो दाना कुछ इस तरीके से दाना पड़ जाएगा। इसमें मोटा दाना नहीं लेना है, एकदम बारीक लेके जो ऊपर का मोटा पार्ट हो वो वापस लेके उसको हाथ से मसल के फिर छान लेंगे। इस तरीके से मैं इसको पूरा छान लेती हूँ। देखो मैंने सारी मुठड़ियों का चूरा करके अच्छे से छान लिया है। छानने पे ये हमारे एकदम बारीक दाना बनता है इसके अंदर। पीछे वाला जो थोड़ा सा कड़क रह जाता है वो चाहो तो, अगर आप चाहो तो मिक्सी में भी कर सकते हो। अब इसको हम मीडियम आंच पे कढ़ाई में सेक लेंगे। इसमें अभी हमने घी वगैरह कुछ नहीं डाला है, इसको हम इसको ऐसे ही सेकेंगे। इसको डार्क ब्राउन होने तक अच्छा सा सेक लेते हैं। ये देखो हमारा आधा सिक गया है। जब ये आधा सिक जाए तो हम इसके अंदर आधा कप घी डालेंगे धीरे धीरे करके। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी, अभी मैंने आधा कप घी थोड़ा थोड़ा करके डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा और इसको सेकेंगे। देखिए इसमें जो गांठें पड़ती है उसको अच्छे से हिलाते हुए निकाल दीजिएगा। ये देखिए और मैंने इसको सेक के अच्छा सा ब्राउन कलर हो गया इसका। इसको आपको टेस्ट करना है कि बेसन कच्चा नहीं हो, मुंह में खाके एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। दाना एकदम कड़क आएगा इसका। ये देखिए दाना कड़क हो गया है। अभी जब
तरीके से हो जाए तब हम इसके अंदर एक कप ये सिकावा मावा, इस मावा मैंने एक कप मावा लिया, उसको मैंने अच्छे से सेक लिया और फिर मिक्सी में इसको थोड़ा सा चर्न कर दिया ताकि इसके दाने बारीक हो जाए। ये एक कप मावा मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको अच्छे से हिला लूंगी। इसको हिलाते हुए अब एक 5 मिनट और इसको सेकेंगे क्योंकि मावा हमारा सिका हुआ है, बेसन भी हमारा अच्छे से सिक गया है और अब हमें घी डालने की भी इसके अंदर जरूरत नहीं है। बस इसको अच्छा सा सेकेंगे 5-10 मिनट और फिर इसको ठंडा करके इसके अंदर हम शक्कर डालेंगे। ये हमारा देखो सिक्के आटा इस तरीके से हो गया है। मैंने इसको डार्क ब्राउन कलर दिया है मावा डालने के बाद, इसको हल्का सा सेका था और फिर अब इसको 1 घंटा ठंडा करने के लिए रख दिया मैंने। अब इसके अंदर हम शक्कर डालेंगे, जैसे कि 500 ग्राम आटा था ये मैंने उसकी आधी शक्कर ली है, 250 ग्राम ऑफ शक्कर ली है। अब ये मैं डालूंगी लेकिन हम एक बार पूरी नहीं डालेंगे, इसका 3/4 डाल के इसको टेस्ट कर लेंगे मिला के, अगर हमको कम लगेगी तो हम और डाल देंगे। ये मैंने इतनी सी रोकी है, इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर, थोड़ी सी बादाम पिस्ता कटी हुई और केसर फ्लेवर के लिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रहिए शक्कर पूरा ठंडा होने के बाद में ही डालना, गरम में शक्कर पानी छोड़ देगी। आप चाहो तो अब इस चूरमे को खुला भी रख सकते हैं और छोटे छोटे लड्डू भी बांध सकते हैं, शक्कर के दाने नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी। अब मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, अगर मुझे लगता है तो मैं इसमें शक्कर और डाल देती हूँ। मैंने इसमें 250 ग्राम शक्कर पूरी डाल दी है क्योंकि मुझे अच्छा मीठा चाहिए। आपको थोड़ा अगर कम चाहिए तो आप 200 ग्राम भी कर सकते हैं, वरना 250 ग्राम इसके अंदर बराबर शक्कर चली जाती है, केसर और इलायची का अच्छा फ्लेवर आ गया। अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। लड्डू हम इसके नॉर्मल साइज़ के बनाएंगे, इसके लड्डू ज़्यादा बड़े नहीं बनते और मेरे इसके अंदर घी बराबर है तो लड्डू आराम से बन रहा है। अगर आपके लड्डू नहीं बनता हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा 2-3 टीस्पून घी गरम करके डाल सकते हैं। ये इस तरीके से लड्डू बना के आप रख सकते हो। ये मैंने आपके लिए कुछ लड्डू बना के रखे, ये देखिए ये हमारे इस प्रकार से लड्डू बन जाएंगे और ये हमारे आज के बेसन के चूरमे के लड्डू।